वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इस लेक्चर में हम क्लॉज का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा क्लॉज के बारे में। पहले क्लॉज की हिंदी होती है वाक्यांश। इसकी हिंदी है वाक्यांश। वाक्य का अंश हिंदी का मतलब हो गया। तो क्लॉज का डेफिनेशन है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक वर्ड का नहीं होता। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो डेफिनेशन हुआ, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स वैसा जिसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, तो हम उसे क्लॉज कह देंगे। देखिए जरा यहाँ पे, द बुक इज माइन। द बुक यहाँ पे सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए इसे क्लॉज कहेंगे। ऐसे ही दैट इज ऑन द टेबल। यहाँ पे दैट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट और वर्ब है, तो भी इसे हम क्लॉज कहेंगे। अब दोनों देख रहे हैं, एक द बुक इज माइन, किताब मेरी है, और दूसरा दैट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है। तो किताब मेरी है से तो मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन That is on the table से पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसलिए क्लॉज एक ऐसा होता है जो खुद में पूरा मीनिंग देता है, जो खुद में पूरा मीनिंग देता है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा क्लॉज ऐसा भी होता है जो पूरा मीनिंग नहीं देता है, जो पूरा मीनिंग नहीं देता है, उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट, नहीं पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट पढ़ते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है पूरा मीनिंग के लिए डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे। देखिए इन दोनों को मिलाकर एक यहाँ सेंटेंस लिखा गया है, द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। यहाँ पे देखिए द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, जो कि यहाँ पे तोड़ कर दिखाया गया है आपको। तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलेगा तो पूरा मीनिंग देता है। तो यही है क्लॉज का टाइप, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में और सबऑर्डिनेट क्लॉज में करते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का दो और नाम है, मेन क्लॉज चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, जो खुद ही मीनिंग देता है। दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट रहता है, निर्भर रहता है मेन क्लॉज पे अपनी पूरा मीनिंग निकलवाने के लिए। इसलिए तो क्लॉज का डेफिनेशन देख लिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इसके दो टाइप होते हैं, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के अतिरिक्त मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट को सबऑर्डिनेट के अतिरिक्त डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बता दिया, मेन क्लॉज का डेफिनेशन बता ही दिया है। फिर भी अ मेन क्लॉज मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। मेन क्लॉज होता है जो खुद ही कंप्लीट सेंस देता है, पूरा मीनिंग देता है, उसे बोलते हैं मेन क्लॉज। यहाँ पे देखिए मेन क्लॉज करके लिखा है, द बुक इज माइन, ये मेन क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज का डेफिनेशन, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है मेन क्लॉज पे निर्भर रहता है, किस लिए, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करवाने के लिए। तो इस तरह से मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज का डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और आपको आपके दिमाग में एक फ्रेम बन गया कि क्लॉज क्या होता है। जब हम क्लॉज के बारे में लेक्चर अच्छा से लाएंगे विस्तार से, उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स रहेंगे, मेन क्लॉज के बारे में भी और बातें रहेगी, और क्लॉज का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, सारी बातें उसमें रहेगी। लेकिन जब भी आप पढ़ते हो जहाँ क्लॉज क्लॉज करता है, उस चीज को हम टैकल कर सकते हैं इस लेक्चर के माध्यम से। तो आपने डेफिनेशन, टाइप्स, फिर जो टाइप्स हैं उनके डेफिनेशंस, फिर एक एग्जांपल, और इसको तोड़ कर दिखाया कि कौन सा मेन क्लॉज कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आशा है यह आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।